पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह ने आज प्रेस वार्ता की और संगठन को मजबूत करने पर रणनीति तैयार की। इस दौरान चौधरी सुखराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव होना है, जिसके लिए हमें अपने उम्मीदवारों का चयन करना है और कार्यकारिणी में भेजना है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह ने कहा कि मुरादाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी में हमें अपने 4 मेंबर भेजने हैं, जिनका चयन आज किया जाएगा। मुरादाबाद में कांग्रेस में चल रही आपसी तनातनी पर बोलते हुए कहा कि ऐसा महानगर में कुछ भी नहीं है और न ही इस तरह की उन्हें कोई जानकारी है। तो वहीं कांग्रेस पार्षद दल के नेता को लेकर चल रहे विवाद पर बोलते हुए कहा कि पार्षद दल के नेता महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा को चुना गया है, वहीं पार्षद दल के नेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम में महानगर की जनता की लड़ाई को कांग्रेस के पार्षद दल के नेता अनुभव मेहरोत्रा के नेतृत्व में लड़ेंगे। महानगर के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महानगर में किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं है और कमीशन खोरी के अलावा मुरादाबाद के नगर निगम में दूसरा कोई कार्य नहीं चल रहा। तो वहीं बैठक में मौजूद पंडित देशराज शर्मा ने भी वर्तमान मेयर पर जमकर निशाना साधा और शहर में हो रहे कार्यों पर भी सवाल खड़े किए। पैसा आ रहा 15वीं वित्त आयुक्त है, उसका पैसा आएगा, वो सब है। इस संबंध में हमारे माननीय सचिव साहब भी निर्देश जारी करेंगे और कुछ ही दिन बाद महानगर कांग्रेस कमेटी अनुभव मेहरोत्रा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम जो है इनके नेतृत्व में महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुरू करेंगे, जो हर वार्ड हर मोहल्ले में होगा और उसमें ये जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को बेहतर तरीके से हम उठाएंगे। और उसके बाद हम चाहेंगे कि जो हमारे सभासद हैं और सभासद दल के नेता हैं, जब बोर्ड की मीटिंग के अलावा जब मीटिंग हो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ उठाएं और लोगों को जागृत। माननीय राहुल गांधी जी जो गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला लिया है उसकी हम सब लोग मजम्मत करते हैं, यानी उसका विरोध करते हैं। और क्योंकि पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी गुजरात को उनके असर में आ गई है और इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व द्वारा शायद कोई निर्णय लिया जाएगा। एक हम महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा है एक मौन धारण करके इसका हम विरोध करेंगे। वो तारीख किस समय और किस समय तक और कहाँ स्थल होगा उसकी घोषणा भी माननीय सचिव साहब या हमारे महानगर अध्यक्ष जी करेंगे। निश्चित रूप से समझिए हम पूर्ण रूप से जागृत हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुरादाबाद की प्रेस को कि उसने जब जब हमारे साथियों ने जब जब हमारे अध्यक्ष ने महानगर अध्यक्ष ने हमारे सभासद दल के नेताओं ने जब जब जो जो चीज गरीबों के लिए उठाई है, हितकर उठाई है, जन समस्याओं को उठाई है, उसके लिए आप लोगों ने अपने समाचार पत्र हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से स्थान दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपके द्वारा जो जो समस्याएं कांग्रेस जनों द्वारा उठाई जाएंगी उन्हें अपने समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना स्थान दें। और सबसे अहम आज का बिंदु है जो 10 तारीख में कार्यकारिणी का चुनाव होना है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 4 पार्षद कार्यकारिणी में जाएं और सब लोगों से अभी वार्ता हुई है, उसके अभी और भी वार्ता करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनके नाम भी तय करेंगे कि 4 लोग कौन कौन ऐसे लोग जाएं जो कार्यकारिणी में जाने के बाद क्षेत्र की जनता का मुरादाबाद की जनता के लिए आवाज़ उठा सकें, अपने पार्षदों की परेशानी की समस्याओं की आवाज़ उठा सकें। ऐसे लोगों को चुनाव के लिए हम लोग मेरा आज मुरादाबाद आना हुआ, आदरणीय प्रदीप नरवाल जी का, आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का, सबका आदेश हुआ आप जाइए और वहाँ जाकर बैठ के देखिए कि हमारे 4 पार्षद कार्यकारिणी में जाने हैं वो ऐसे मजबूत लोग जाएँ जो सारे पार्षदों की समस्या वहाँ पर बैठ के उठा सकें, अपनी बात पूरी दमदारी के साथ रख सकें ताकि मुरादाबाद का विकास हो। जिस तरह की अभी मैंने बताया कि एक एक वार्ड में 40-40 कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं घर बैठे सैलरी ले रहे हैं या किसी न किसी नेता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर पानी पिला रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जो जनता है जिसने वोट दिया, जिसने पार्षद चुना, जिसने मेयर चुना, जिस जो टैक्स देकर उनकी सैलरी देती है, उनकी सफाई के लिए, उनकी नाली की सफाई के लिए, उनके नाले की सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। पूरे मुरादाबाद के हर वार्ड की यही स्थिति है, कई वार्डों से मैं वाकिफ हूँ और बाकी ज़्यादातर वार्डों में अभी गुरुजी ने बताया, माननीय शर्मा जी ने, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं इन्होंने बताया
ये सारे वार्डों की यही स्थिति है कि 40-40, 45-45 सफाई कर्मचारी एक एक वार्ड में लगे हुए हैं, लेकिन काम करने के नाम पर अगर देखने को मिलेंगे तो 5 से 10, 12, 14, 15 से ज़्यादा किसी वार्ड में नहीं मिलेंगे। अभी गत दिनों लगातार एक कांग्रेस सुर्खियों में रही है, कांग्रेस के पार्षद नेता को के चुनाव को लेकर, उसमें क्या रणनीति है? कहीं वोटिंग कराई जा रही थी अलग अलग तरीके से, क्या ऐसा कोई वोटिंग करने की तो कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि पार्षद दल के नेता का चुनाव तो तकरीबन 1 महीना पहले हो चुका है। अनुभव मल्होत्रा को सब सहमति से वो लेटर भी मेरे पास भी गया, आदरणीय अनुभव साहब को भी गया, यहाँ के सभी पार्षदों ने एक देखिए, जहाँ ज़्यादा बहुमत होता है वही पार्षद दल का या विधायक दल का नेता वही माना जाता है जिनकी तरफ बहुमत ज़्यादा होता है। अगर एक तो लोग कहीं ना कहीं देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है, मैं आज मुरादाबाद में सचिव प्रभारी की हैसियत से हूँ, हो सकता है मेरी इच्छा हो कि मैं महासचिव प्रभारी की हैसियत से मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनूँ, इसी तरह किसी और पार्षद की भी इच्छा हो सकती है कि वो अपना पार्षद दल का नेता बनना चाहते हों, लेकिन सर्वसम्मति से जब अनुभव मल्होत्रा को चुन लिया गया तो वो तो कोई विवाद खड़ी नहीं। लेकिन जिस तरह से वोटिंग कराई गई, एक निजी होटल में जाकर पार्षदों को बुलाया गया बारी बारी से, क्या लगता नहीं है कि आपसी सहमति कहीं ना कहीं खिन्न नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे सुनने में तो ना कुछ आया है, ना किसी नेता ने मेरे को बताया है कि इस तरह का कोई विवाद हुआ है या कोई बात हुई है। क्योंकि आना यहाँ पर किसी भी नेता का आना, आज मैं आया हूँ, अगर इसी को कोई ये मुद्दा बनाने के साथ पार्षद दल के चुनाव कराने के लिए आए तो इससे मैं तो सहमत नहीं हूँगा। हो सकता है बहुत सारी बातें हैं, बी एल ए फर्स्ट बनाने की बात चल रही है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, पार्षद दल के सम्मानित नेता हैं वो, पार्षद सम्मानित नेता होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे किसी भी बिंदु पर कोई भी नेता हमारा बात करने के लिए आ सकता, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं है। पार्षद दल के नेता का जो चुनाव हुआ था वो पार्षद दल के नेता अनुभव मल्होत्रा हैं, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद दल के नेता भी हैं, सब सहमति से उनको चुना गया था, उस पर तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है कोई विवाद इस तरह का मेरे सामने नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।